ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, जिसके पिता का बिजनेस डूब गया और कर्ज में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। आगे चलकर यही लड़का दुनिया की सबसे महंगी कार बनाता है, जिसे खरीदने के लिए राजा महाराजाओं की लाइन लगती है। सिर्फ 4 साल की उम्र में इस लड़के को अपना पेट भरने के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ी और उनकी माँ ने उसे खुद से अलग कर दिया और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज भी है। इस लड़के ने ना ही कभी स्कूल की पढ़ाई की और ना ही कभी कॉलेज गया, लेकिन आगे चलकर इसने न सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंजन बनाए बल्कि एरोप्लेन्स के इंजन तक इसने बनाए और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस के फाउंडर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की, जिन्होंने सिर्फ 2000 रुपए से रोल्स रॉयस की शुरुआत की और आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि आज उनकी सिर्फ इस कार की कीमत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि हेनरी, जिन्होंने इंजीनियरिंग तो किया, कभी स्कूल की पढ़ाई तक नहीं की और उन्होंने आगे चलकर एरोप्लेन्स के इंजन तक कैसे बना दिए, और इस जर्नी में उन्हें ऐसा कौन सा जीनियर्स पार्टनर मिल गया जिन्होंने सिर्फ रोल्स रॉयस की ही नहीं बल्कि पूरी कार इंडस्ट्री के फ्यूचर को बदल के रख दिया। हेनरी का जन्म 27 मार्च 1863 को एक छोटे से गांव में हुआ था और ये 5 भाई बहन थे जिसमें हेनरी सबसे छोटे थे। हेनरी के फादर जेम्स की एक छोटी सी आटे की मिल थी जिसे उन्होंने कुछ सालों के लिए किराए पर ले रखी थी। हेनरी के फादर को बिजनेस की उतनी समझ नहीं थी जिसकी वजह से उनका ये छोटा बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था और इसमें उनको लगातार नुकसान हो रहा था। यहां तक कि 1867 में जब हेनरी सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके फादर बैंकक्रप्ट का शिकार हो गए। उन्हें अपने आटे की मिल बंद करनी पड़ी जिसके बाद उनकी पूरी फैमिली काम ढूंढने के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। लंदन में हेनरी और उनकी फैमिली के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, साथ ही साथ उन पर लाखों रुपए का कर्ज था और अपना घर चलाने के लिए हेनरी और उनके सभी भाई बहनों को काफी कम उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा। यहाँ तक कि हेनरी जब 4 साल के थे तो उनके पेरेंट्स ने उनका स्कूल छोड़वा दिया और उन्हें अपने अमीर पड़ोसी के पास नौकरी के लिए भेज दिया, जहाँ पर हेनरी अपने पड़ोसी के खेतों में चिड़िया भगाने का काम करने लगे जिसके लिए उनको सिर्फ 6 रुपए मिलते थे और कई दिनों तक हेनरी और उनके भाई बहनों को बिना कुछ खाए पिए सोना पड़ता था। और कुछ सालों बाद धीरे धीरे उनके हालात ठीक होने लगे। तभी 1972 में जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे उसी बीच उनके कर्ज में डूबे फादर जेम्स की डेथ हो गई। हेनरी वापस पढ़ना चाहते थे लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो 9 साल के हेनरी को फिर से काम शुरू करना पड़ा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अब उन्होंने न्यूज़पेपर और चिट्ठियों को डिलीवर करने का काम शुरू कर दिया। ऐसा बहुत सा समय आया था जब हेनरी को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से हेनरी बहुत कमजोर हो चुके थे और इतने पतले हो गए थे कि वो एक ढांचे की तरह दिखते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा बीमारियां लग गई। लेकिन हेनरी की प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हो रही थी। हेनरी की मां मेरी पर अब भी लाखों रुपए का कर्ज था। इसके ऊपर उन्हें हेनरी और उसके 4 भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा करना था, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से हेनरी की मां ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि हेनरी के दिमाग में पूरी जिंदगी रहने वाला था। हेनरी की मां इतनी मजबूर थी कि उन्होंने हेनरी को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, मुझे तुम्हें खुद से दूर करना ही होगा। इससे हेनरी शॉक में चले गए, लेकिन ये कहकर माँ ने हेनरी को एक बूढ़े कपल के पास भेज दिया जो कि हेनरी जैसे बच्चों को अपने साथ रखना चाहते थे। लेकिन उस बूढ़े कपल के पास भी कोई ज्यादा खास पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि कई सालों तक हेनरी को रोज खाने के नाम पर सिर्फ दूध और ब्रेड ही मिलता था। हेनरी को अब बूढ़े कपल के यहाँ से बाहर निकलना था और वो रात को यही सोचते कि अगर मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है तो मुझे नौकरी करके खुद पैसे कमाने होंगे। इसलिए 1877 में जब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी तब वो अपनी आंटी के पास आए और उनसे कुछ पैसे उधार लेके उन्होंने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। लेकिन हेनरी के पास रहने के लिए अभी भी कोई घर नहीं था। वो वापस अपनी आंटी के पास गए और पूछा, आंटी क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? इस पर उनकी आंटी ने कहा, देखो मैं तुम्हें पहले ही इतने सारे पैसे दे चुकी हूँ, तुम्हें यहाँ रहना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें जॉर्ज नाम का एक आदमी मिला जिसके बेटे हैवलॉक के साथ हेनरी ट्रेनिंग ले रहे थे। जॉर्ज ने हेनरी से कहा, हेनरी क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहो, मेरे घर में एक वर्कशॉप भी है जहाँ तुम अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हो। हेनरी अब दिन में काम करते थे और रात में जॉर्ज के साथ वो कई नई इंजन और टूल्स के बारे में सीखते थे जो आगे चलकर उन्हें बहुत काम आने वाले थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी हेनरी के सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। ट्रेनिंग के 3rd साल हेनरी के पास उनकी आंटी ने जो भी पैसे दिए थे वो सारे खत्म हो गए। उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की।
और फाइनली रेलवे वर्कशॉप में उन्हें अपनी ट्रेनिंग को रोक दिया। 17 साल की उम्र में हेनरी की इलेक्ट्रिक लाइट एंड पार्क कंपनी में जॉब लग गई। वहां उन्हें काम करने के एक घंटे में एक रुपए मिलते थे। फिर भी हेनरी का फोकस सिर्फ नई चीजों को सीखने में था। उन्हें जब भी टाइम मिलता वो खुद से किताबें लेते, वो मैथ पढ़ते, फ्रेंच पढ़ते और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते। यहां तक कि अपनी नई जॉब में वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि वो कई बार काम करते और अपना खाना भूल जाते, और अपने पैसे बचाकर अपने काम के बाद वो देर रात तक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की क्लासेस लेते ताकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। फाइनली हेनरी की डेडिकेशन और उनके हर वक्त नए स्किल सीखने की आदत ने उनके बॉस को इम्प्रेस कर दिया। उनके बॉस ने हेनरी को बुलाया और कहा, हेनरी हम तुम्हारे वर्क और डेडिकेशन से बहुत खुश हुए। हमने डिसीजन लिया है कि तुम्हें लिवरपूल वाले ऑफिस में एज अ चीफ इंजीनियर बनाकर भेजेंगे। 1882 में जब हेनरी 19 साल के थे तो उनका प्रमोशन हो गया था और अब उनका करियर अच्छा चल रहा था। और फिर 2 साल बाद हेनरी की जिंदगी में एक और ट्विस्ट आया। 1884 में हेनरी जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो बंद हो गई। हेनरी अब फिर से जॉबलेस हो चुके थे और इस बार उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि अब मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं करनी है, अब मैं खुद की इंजीनियरिंग नॉलेज से कोई बड़ा बिजनेस खोलूंगा। हेनरी ने अपने फ्रेंड क्लेयरमोंट को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे पास कितनी सेविंग है, तो क्लेयरमोंट ने जवाब दिया कि सिर्फ कुछ 5,000 रुपए। हेनरी ने कहा मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं। उन्होंने कहा हम इसी से अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे। 1884 में क्लेयरमोंट और हेनरी ने सिर्फ 7,000 रुपए से मैनचेस्टर में FH रॉयस एंड कंपनी शुरू की, जो कि इंजीनियरिंग के टूल्स बनाती थी। मैनचेस्टर में उन्होंने एक दुकान किराए पर ली जिसके ऊपर एक छोटा सा रूम था जिसमें दोनों रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की सेविंग इस बिजनेस में लगा दी थी और शुरू में तो कई दिनों तक रोज एक पुराने स्टोव पे सैंडविच को गर्म करके खाते थे। हेनरी बहुत ज्यादा मेहनती थे और कुछ ही महीनों में उन्होंने एक ऐसा बिजली से चलने वाला डोरबेल बनाया जो कि मार्केट में लोगों को बहुत पसंद आया। हेनरी के पास अब थोड़े पैसे आ गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो और भी बड़ी चीजें बनाएंगे, जैसे कि डोरबेल के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया। 1894 तक वो इतने कामयाब हो गए कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक क्रेन्स तक बनाने लगी। 10 साल पहले 1884 में जहां सिर्फ 7,000 रुपए से हेनरी ने कंपनी की शुरुआत की, वहीं सिर्फ 14 साल के बाद हेनरी की कंपनी हर साल 20 लाख रुपए का बिजनेस कर रही थी और उनके पास 30 लाख रुपए जमा हो गए थे। हेनरी अब अमीर हो चुके थे, लेकिन हेनरी को अभी भी कुछ बहुत बड़ा करना था। उस वक्त मार्केट में पहली बार पेट्रोल से चलने वाली कार आई थी और हेनरी का इंजीनियरिंग वाला दिमाग इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाने लगा। 1901 में हेनरी ने अपनी पहली कार खरीदी जिसका नाम था डी डायन। लेकिन एक बार हेनरी ने अपनी कार को घर में पार्क किया और फिर वो कार दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। हेनरी को इसका डिजाइन पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने इसको पूरा खोल कर फिर दोबारा से बनाया। इसके इंजन को अपग्रेड भी किया, लेकिन ये कार इतनी बेकार थी कि इतनी मेहनत के बावजूद भी हेनरी की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रही थी। हेनरी ने उस कार को वहीं छोड़ा। सोचा इस घटिया कार को अपग्रेड करने से अच्छा है मैं अपनी खुद की कार बनाऊं, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट कार होगी। हेनरी ने जब अपने फ्रेंड को ये आइडिया बताया तो उसने हंसकर हेनरी से कहा, हेनरी तुम क्या कर रहे हो, अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर तुम किसी और बिजनेस में क्यों जा रहे हो। लेकिन हेनरी पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनका अगला टारगेट तो अब सिर्फ कार बन चुका था। हेनरी को तब नहीं पता था कि उनका ये डिसीजन पूरी कार इंडस्ट्री को हिला के रख देगा और उनकी कार आगे चलकर एक स्टेटस सिंबल बन जाएगी जिसके लिए राजाओं की भी लाइन लगेगी। अब हेनरी का पहला टारगेट था खुद का एक कार इंजन बनाना, और सिर्फ 2 साल के बाद 1903 में हेनरी ने एक अपना खुद का पेट्रोल इंजन बना दिया। लोगों को लगा कि ये आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया वो बड़े बड़े इंजीनियर्स को पीछे छोड़कर कार इंजन कैसे बना रहा है। लेकिन हेनरी का डेडिकेशन एक अलग ही लेवल पर था और कार इंजन बनाने के सिर्फ 1 साल बाद 1904 में हेनरी ने अपने वर्कशॉप के एक छोटे से कॉर्नर में खुद की एक कार बना ली जो कि तब मार्केट में सभी कार से बेहतर थी, और उन्होंने इसका नाम रखा रॉयस 10। हेनरी ने रॉयस 10 के 3 मॉडल बनाए जिसमें से एक उन्होंने अपने पास रखा, एक उन्होंने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर क्लेयरमोंट को दिया, और तीसरी कार उन्होंने एक बिजनेसमैन हेनरी एडमंड्स को बेच दी। हेनरी एडमंड्स को ये कार इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस कार को अपने फ्रेंड चार्ल्स को दिखाया। चार्ल्स रोल्स ने पूछा, इस कार को किसने बनाया है, उससे मैं जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। और ये मीटिंग पूरी कार इंडस्ट्री को सदमा देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। चार्ल्स की स्टोरी हेनरी के बिल्कुल अपोजिट थी। उनका जन्म 1877 में लंदन में एक बहुत ही पावरफुल एंड रिच फैमिली में हुआ था। हेनरी की ही तरह चार्ल्स को भी इंजन में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि वो बचपन में भी सारे इंजन को खोल देते थे। चार्ल्स के इसी इंटरेस्ट की वजह से उनके पेरेंट्स ने उन्हें दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिनिटी में भेज
दिया था, जहां से चार्ल्स ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वहां पर चार्ल्स का इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि 1896 में 18 साल की उम्र में वो खुद से फ्रांस चले गए और फिटन नाम की एक कार खरीद ले आए। चार्ल्स इंग्लैंड की सबसे बेस्ट कार खरीदने वाले इंसान थे और उन्हें कार्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि 1903 में सीएस रॉल्स एंड कंपनी के नाम से अपनी खुद की कार डीलरशिप खोल दी। 4 मई 1904 को कार इंडस्ट्री के दो लेजेंड्स हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स की मीटिंग होती है। सबको लग रहा था कि एक तरफ हेनरी, जो गरीबी की वजह से कभी स्कूल तक नहीं गए, और एक तरफ चार्ल्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक थे, बेस्ट कॉलेज से पढ़े थे, इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। लेकिन इस मीटिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। चार्ल्स हेनरी की कार को टेस्ट ड्राइव पर ले गए और उन्हें ये कार इतनी पसंद आई कि वापस आकर हेनरी से बोला कि मुझे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी है, तुम जितनी रॉयस 10 कार्स बना सकते हो उसे बनाओ और मुझे भेजो, सारी की सारी कार्स मैं खरीदूंगा और उसे आगे बेचूंगा। चार्ल्स खुद रॉयस कार चलाकर वापस अपने घर लंदन गए और उन्हें ये कार इतनी पसंद आ गई कि रात को लंदन पहुंचकर चार्ल्स सीधे अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गए और उन्हें रात को नींद से उठा दिया और कहा, मुझे दुनिया का बेस्ट मोटर इंजीनियर मिल गया है। फाइनली 1906 को दोनों ने मिलकर रॉल्स रॉयस लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की और ये कार सिर्फ 2 सालों में दुनिया की बेस्ट कार कंपनी बनने वाली थी। अब तक रॉल्स रॉयस 10 काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और जब चार्ल्स की इन्वेस्टमेंट और स्किल्स हेनरी की इंजीनियरिंग स्किल से मिले तो उन्होंने 1906 में 6 सिलेंडर से चलने वाली कार लॉन्च करी जिसका नाम था रॉल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। हेनरी ने चार्ल्स के साथ मिलकर इसमें दुनिया का सबसे पावरफुल और स्टेबल इंजन लगाया था। इंजन इतना स्टेबल था कि इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने कार के इंजन के ऊपर एक पानी का ग्लास रख दिया और इसे पूरी स्पीड में काफी दूर तक चलाया और जब ये कार रुकी तो सब शॉक्ड हो गए क्योंकि पानी की एक भी बूंद गिलास के बाहर नहीं गिरी थी। इस इंसिडेंट के बाद ये दुनिया की सबसे बेस्ट कार डिक्लेयर कर दी गई। 1907 में अपनी इस डिजाइन और रिलायबिलिटी की वजह से उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले और राजा महाराजा तक इस कार को खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे। लेकिन हेनरी के दिल में अभी भी बचपन की चोट थी और वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें रॉल्स रॉयस को अभी भी और बेटर बनाना था। उनकी शुरू से आदत थी कि अपने लिमिट्स को पुश करते रहना और वो इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी इतना ज्यादा काम कर रहे थे कि वो कई बार रात का खाना भूल जाते थे और अपनी खराब हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे थे। हेनरी का फोकस हमेशा से बेस्ट इंजीनियरिंग और डिजाइन पर था। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन अचीव करने का एम रखो और कोई चीज ऑलरेडी बेस्ट बनी हुई है तो उस पर फिर भी काम करते रहो और उसे और भी ज्यादा बेहतर बना दो। हेनरी के इस प्रिंसिपल को रॉल्स रॉयस आज भी फॉलो करती है और रॉल्स रॉयस की एक कार को बनने में 6 महीने का टाइम लगता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि पूरी दुनिया में आज सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो रॉल्स रॉयस की कार में पिन स्प्रिट को हाथ से पेंट करता है। 1921 आते आते रॉल्स रॉयस की डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि उनकी डिलीवरी का वेटिंग पीरियड 3 साल तक पहुंच गया था। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तभी हेनरी की लाइफ में एक और ट्रेजेडी आ गई। हेनरी के पार्टनर चार्ल्स को कार के अलावा एरोप्लेन्स का भी बहुत ज्यादा शौक था और उन्होंने एविएशन में जाने के लिए प्लेन्स तक खरीद लिया था और वो उसे 200 से भी ज्यादा बार उड़ा चुके थे। यहाँ तक कि चार्ल्स 1910 में इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले इंग्लैंड के पहले इंसान बने थे। उन्होंने हेनरी को एरोप्लेन्स बनाने के लिए सजेस्ट किया था लेकिन हेनरी इस पर राजी नहीं हुए। हेनरी इस बारे में और सोच ही रहे थे तभी उन्हें एक शॉकिंग न्यूज मिली। 1910 में एक शो के दौरान चार्ल्स का प्लेन क्रैश हो गया और इसमें उनकी मौत हो गई। चार्ल्स प्लेन क्रैश में मरने वाले इंग्लैंड के पहले आदमी थे। हेनरी को इस बात का बहुत ही बड़ा झटका लगा। चार्ल्स के बिना अब वो बहुत अकेले पड़ गए थे। उसके बाद भी हेनरी ने अपने प्रिंसिपल को पीछे नहीं छोड़ा। हमेशा अपना बेस्ट दो, परफेक्शन के सिवा कुछ और नहीं सोचो, यही हेनरी का वर्किंग प्रिंसिपल था। हेनरी ने अब ये फैसला किया कि वो चार्ल्स के एयरप्लेन इंजन बनाने की ड्रीम को पूरा करेंगे और 1915 में वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने रॉल्स रॉयस के ईगल इंजन को बना दिया जो कि तब वर्ल्ड वॉर के बेस्ट प्लेन इंजन में लगाया गया था और एक बार भी ये किसी टेस्ट में फेल नहीं हुआ। 1928 में उन्होंने आर प्लेन इंजन बनाया और इस इंजन में तब 655 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हेनरी लगातार काम तो कर रहे थे लेकिन उनकी कभी न रुकने वाली आदत की वजह से वो बीमार पड़ने लगे। 1930 की शुरुआत में उन्होंने लेजेंडरी मर्लिन इंजन बिल्ड किया लेकिन अब तक हेनरी ऑलमोस्ट अपनी डेथ बेड पर थे। मर्लिन इंजन बनाने के कुछ ही महीनों बाद 1933 में हेनरी दुनिया को अलविदा कह गए। हेनरी अपने आखिरी टाइम तक इतनी ज्यादा डेडिकेटेड थे कि वो अपने मौत से सिर्फ कुछ ही घंटों पहले अपने कार के शॉक अब्जॉर्बर का स्केच बना रहे थे और मौत के कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने सेक्रेटरी ओबिन को बुलाया और कहा, ये स्केच मेरे फैक्ट्री में वर्कर्स तक हिफाजत से पहुंचा दो। और आज रॉल्स रॉयस दुनिया की सबसे फेमस कार कंपनी में से एक है। आज इनकी ऐसी एक कार 200 करोड़ में बिकती है और हम में से कई लोगों की तो ये ड्रीम कार है। और ये सब शुरू हुआ था एक गरीब बच्चे की स्टोरी से जिसको 4 साल की उम्र में काम करना पड़ा, जो कभी
कभी स्कूल तक नहीं गया, लेकिन जिसने हमेशा बिलीव किया कि परफेक्शन और मेहनत के दम पर एक गरीब इंसान भी वर्ल्ड की बेस्ट कार कंपनी बना सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।